नमस्कार किसान भाइयों, किसान परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं किसान भाइयों पंजाब में। हमारे बहुत ही जागरूक किसान हैं, पहले उनका परिचय लेते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक की शुरुआत किसान भाई ने करी है, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे तरीके से करी है। तो सबसे पहले उनका परिचय जानते थे, एक बार हमारे किसान भाइयों को आप अपना परिचय कराइए जी। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरवीर सिंह है। डिस्ट्रिक्ट संगरूर, बीपीओ मोहली कलां जी। डिस्ट्रिक्ट इनका संगरूर पड़ता है। और जैसे कि ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो भैया हम, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई को जो आपने ऑर्गेनिक खाद तैयार करा है सब्जियों में, जो आप चीजें उगाते हैं ऑर्गेनिक एक तरीके से, उन्हें एक बार किसान भाइयों को हमारे पहले तो खाद ही दिखाइए किस तरीके से आपने तैयार कर रखा है ये वाला। जी मैं जो भी खेत में सब्जी उगाता हूँ वो खुद की खाद तैयार करता हूँ। जी देखिए इसमें आपने जो कौन सा केंचुआ तैयार कर रखा है जी, ये इसकी वैरायटी जो होती है ना, वैसे ऑस्ट्रेलियन होती है। हाँ जी, जो ऑस्ट्रेलियन केचुआ होता है वो भी गोबर को खाद में बदल हाँ, देता है। हाँ, ये सारी केचुआ ये सारी ना अपने खेतों में डालते हैं, खुद की खाद तैयार करके, खुद की खाद तैयार करके। बिल्कुल ये रहा जी, देसी भी बोल सकते हैं इसको, केंचुआ एक तरीके से देख सकते हो जी। बहुत जबरदस्त केंचुआ इन्होंने पहले, सबसे पहले शुरुआत भाई ऑर्गेनिक में हम जो शुरुआत कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक खाद ही बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद आप ऑर्गेनिक क्या क्या चीज बनाते हैं, जो आप ऑर्गेनिक फसल जो तैयार कर रहे हैं सब्जी वगैरह तैयार कर रहे हैं उसमें डालते हैं जी? हाँ तो ये होगी जी, जो भी स्प्रे की जरूरत पड़ती है जैसे ग्रोथ प्रमोटर होगी या सुंडी वगैरह के लिए जी, वो हम वो खट्टी लस्सी पहले से तैयार करके रखते हैं। इन ड्रामों में खट्टी लस्सी है जी आपकी? खट्टी लस्सी है जी, इनकी टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहते हैं। अच्छा जी, और डीकम्पोजर वगैरह भी तैयार करते हो जी? तो इसके बाद जो है आपने क्या क्या फसल लगा रखी है किसान भाइयों, उनको भी जानते हैं हमारे किसान भाई से। जैसे खेत में उसके बाद चलाते हैं जी। तो इसके बाद जो देख सकते हैं जिन्होंने अनार लगा रखा है, और जैसे कि आपने जी ये इधर पालक और मेथी लगा रखी है, मूली लगा रखी है, ये सब ऑर्गेनिक है एक तरीके से? थोड़ी सी जगह बची पड़ी थी तभी तो, लगा दिया, आगे ज्यादा लगी हुई है। अच्छा हाँ बिल्कुल, आगे ज्यादा लगी हुई है। ये सब ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करे जाने हैं। पपीते भी देख सकते हैं आप, केले हैं इनके पास। चाय वाला खाल होता है ना जी, इसके साइड नाल नाल हमने केले लगाए हैं, जी नाइस वैरायटी है जी जी। इसके बाद ये फ्रूट आगे 20-20 फुट की दूरी पे फ्रूट लगे हैं। अच्छा जी, ये लगाए हैं लाइना 20-20 फुट की दूरी पे, एक एक लाइन फ्रूट की लगाई है, जैसे अमरूद हो गए जी, किन्नू हो गए, वो हाँ। सेब के पेड़ भी खड़े हैं। अच्छा किन्नू का पेड़ कौन सा है जी? ये किन्नू का वो पहले वाली लाइन किन्नू की है, जे अमरूद की लाइन है, वो देखो दो अमरूद तो लगे हुए। हाँ दो अमरूद लगे हुए भी हैं, इतने छोटे पेड़ पर आ रहे हैं। और ये क्या है जी, आप एक बार हमें देखिए, लाल रंग का क्या है ये? इसे रेड मूली बोलते हैं। अच्छा तो किसान भाइयों मैंने आपको लाल भिंडी भी दिखाई है, ये शलजम है जी, है ना, ये शलजम है। हाँ जी, वैसे रेड मूली बोलते हैं, रेड मूली बोलते हैं। रेड मूली भी आगे लगी हुई है, उसको भी किसान भाई आपको जरूर दिखाएंगे। ये शलजम भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। जैसा कि भाई एक चीज और बताओ, आपने सब चीजें ब्रोकली लगा रखी है देख सकते हो, तो आपने इसे ये ब्रोकली वगैरह सब कुछ लगा रखा है और ये इतना अच्छा चल रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं जैसे डाई वगैरह लगाते हैं या अलग पेस्टिसाइड लगाते हैं, इतना अच्छा उनसे भी नहीं होता। तो आपने जो है ऑर्गेनिक से इतना अच्छा करा है कि थोड़ी जानकारी ली या आपने अपना आप ही शुरुआत करी, थोड़ी थोड़ी चीजों को मतलब सीखने की कोशिश करी, किस तरीके से शुरुआत करी आपने ऑर्गेनिक की? जानकारी भी बहुत ली है जी, फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं आगे आगे, हाँ पता लगता रहता है, फिर आगे से आगे आगे चेंज करते रहते हैं जी। जैसे जो बैठे हैं जो फ्रूट वाले, जैसे जो फ्रूट की लाइन लगी हुई है बिल्कुल जी, इसके ऊपर हमने आलू रख के पराली बिछा दी। तो इससे जैसे पराली से फायदा क्या मिला जी आप हमारे? जो आलू लगा दिए हाँ हाँ, जो पराली के मल्चिंग हो जाती है, मल्चिंग नीचे जो जमीन ज्यादा अच्छी हो जाती है, उसमें गंडोए ज्यादा जो भी जीव होते हैं हमारे, मतलब एक तरीके से जो जमीन के अंदर हमारे जो जीव रहते हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे, वो भी ऊपर आ जाएंगे। तो इससे फायदा हमें मिलेगा, जमीन हमारी ऊपर से भुरभुरी हो जाएगी। ये देखिए बहुत बढ़िया। तो आपने आलू भी जो है लाल वाला लगा रखा है ना? आलू है जी, पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है जी, हमने ऊपर रख के और ऊपर से पराली डाल दी है और कुछ नहीं किया। अच्छा ऊपर रख के ऊपर से सिर्फ पराली डाल दिए ताकि इसकी जो आलू हमारा निकले वो ज्यादा से ज्यादा आलू निकल सके। अब ऐसे देखिए, ये देखिए, ये देखो लाल आलू है और कुछ नहीं किया। ऊपर आलू रख के हाँ, दो लाइने एक बेड पे दो लाइने आलू की रख दी है, उसके ऊपर पराली बिछा दी है। आलू आप इतने बड़े, ये काय का पेड़ है जी? ये वाला एप्पल का है। अच्छा एप्पल भी आपने जो यहाँ पे उगा रखे हैं? एप्पल के पेड़ है। अच्छा ये हाँ सारे में एप्पल, तो इस पे जो फल आएगा एप्पल आएगा जी इन पे?
तो हॉट वैरायटी होती है। अच्छा, ये स्पेशल हॉट वैरायटी है, तो इसमें कितने साल में आता है? क्योंकि उसमें तो काफी मुझे लगता है 5 से 6 साल लगते हैं फलाने में। 3-3.5 साल में शुरू हो जाता है, अभी 2-2 साल के हैं। तो आप इसे लेकर कहाँ से आए, जरा एक बार ये भी बताइए जी। जी मैंने कोई मेरे हिमाचल में कोई दोस्त हैं। अच्छा, उनसे मंगवाए थे। उनसे मंगवाया आपने, बहुत अच्छा। ये देख सकते हो रेड मूली कितनी लंबी हो रही है जी, आपको जो पहले दिखाई थी ये वाली रेड मूली देख सकते हो कितनी लंबी है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है जी इधर की तरफ आकर, और इतना अच्छा देखकर हमारे किसान भाई अपने घर के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई बेचने के लिए ही तैयार करें। ये देख सकते हैं हरी जो गोभी आती है वो इनके पास भी इन्होंने जो लगा रखी है, और कितनी अच्छी हो रही है ये भी आप देख सकते हैं। इस जगह में लगी हुई है सब्जी, मतलब कितनी जगह होगी जी आपने जो थोड़ी शुरुआत करने की कोशिश करी एक तरीके से? ये 2 बीघे होगी, 2 से 2.5 बीघे होगी इसमें। हाँ। मैंने 25 आइटम लगाई हुई है। बहुत अच्छा, सब चीज पे मतलब एक तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि कौन सी चीज किस तरीके से होती है। अगर ज्यादा बड़े स्तर पे बो देते हैं तो खराब होने का डर हो जाए हो, तो उससे पहले हमें एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि इस तरीके से करने से हमारा क्या होगा। जैसे तो 2 लाइनें ब्रोकली की होगी जी, 2 लाइनें बंद गोभी होगी, कैबेज, ठीक है जी। इसके बाद ये आलू की लाइन हो गई, ये फिर सादी गोभी हो गई जो आती है। इसके बाद टमाटर हो गए जी, इसके बाद टमाटर है। ये आपने देसी टमाटर लगाए हैं, गोल टमाटर है देसी वाला। तो जैसे जैसे हमारे किसान भाई पराली जला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसका आपने एक तरीके से यूज करा है पराली का, हर तरीके से करने की कोशिश करी है। मल्चिंग की है सब जगह, सारी सब्जियों में मैंने, इससे गुडाई का खर्च कम हो जाता है। और जो बूटे हैं जी, मतलब वो ज्यादा जमीन सख्त नहीं होती नीचे। हाँ। वो बहुत बढ़िया ग्रोथ लेते हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक है देखो कितने, बिल्कुल देख सकते हो जी कितने अच्छे बैंगन हो रहे हैं, कितने अच्छे बैंगन खड़े हुए हैं। और बीच बीच में देख सकते हैं उन्होंने जो घिया की बेल भी लगा रखी है। अच्छा, ये अपने आप हो गई है। अरे वाह, देख सकते हो जी कितने घी है भाई इस पर, कितने घी हैं। ये देखो जी पलट के भी कितने कितने इसमें जो रवे से निकल रहे हैं, हमारे यहाँ रवे बोलते हैं घी, तो कितने आ रहे हैं एक धोरे से, बहुत अच्छी लगा। और बैंगन भी देख सकते हैं, ये गोल वाला बैंगन और इधर जो है वो लंबे वाले बैंगन। हाँ, ये देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी है, ब्रिड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी। मतलब आपने बीज भी अच्छा चुना है और फिर ऑर्गेनिक करा है, कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं करा है। तो जैसे आपने इधर गेंदे भी लगा रखे हैं भैया, हमें हम देख रहे हैं जगह जगह पर ये गेंदे भी लगा रखे हैं, तो इनका गेंदे लगाने का कुछ फायदा भी मिलता है क्या जी? जो कीड़े होते हैं सुंडी वगैरह होती है, वो जब गेंदे की बाउंड्री कर देते हैं सब्जियों में, वो कम आती है। गेंदे की फसल में सुंडी कम आती है? कम आती है, मतलब जो भी कोई टेक्निकल होता है ऐसे, जो भी बिल्कुल मतलब सुंडी वगैरह जो तितली होती है, तितली से ही पैदा होती है सुंडी। हाँ। वो ना पहले गेंदे के ऊपर बैठती है, इसके मतलब इसके बाद वो ऑटोमेटिकली अंडे नहीं दे पाती, ठीक, अंडे देने का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अच्छा, किसी भी सब्जी में बैठती है जब, फिर अंडे नहीं देती। और ये इसके बाद आपने क्या लगा रखा है जी? कैरेट, रेड कैरेट और ब्लैक कैरेट। अच्छा जी, रेड कैरेट और ब्लैक कैरेट। उधर की तरफ इन्होंने मटर की बिजाई करी, तो मटर भी काफी अच्छा जम के आ रहा है जी, बहुत बढ़िया एकदम। तो एक इन्होंने सरसों भी लगा रखी है किसान भाइयों, मैं आपको वो सरसों की भी दिखाऊंगा, मैंने भी पहली बार देखी है, पहले देखी है। मतलब ये खाने वाली सरसों होती है जो साग में हम बनाते हैं, उसको भी आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि कितनी अच्छी सरसों है। और उसका लाइफ साइकिल भी लगभग 6 से 8 महीने का होता है जो लल चलती है। तो आप भैया हमारे किसान भाइयों को एक बार ये बताइए, सामने आइए जरा पहले तो यहाँ पर, जैसे आपने ये बेड की 2 लाइन मटर की लगा रखी है एक बेड के ऊपर, तो आपने इसमें कितनी दूरी रखी जी लगभग? ये शायद मुझे 28 इंची की दूरी लग रही है, 28-29 की जी, वैसे जो फुट 1.5 फुट की होती है। हाँ हाँ, वो इतनी ज्यादा भी कम कर सकते, कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा कम किया इस बार, थोड़ा ज्यादा 9-9 इंच की दूरी पे लगाया है जी। थोड़ा अच्छे हो, कई भी ऐसे होता है ना, प्रॉब्लम ये आती है कई भी जो ऑर्गेनिक होते हैं इसमें कई बूटे खत्म हो जाते हैं, इसकी वजह से हमने इस बार थोड़ा बीज ज्यादा डाला है। तो जैसे कि हम ऑर्गेनिक की, जैसे हमारे किसान भाई और भी कोई कुछ करना चाहे, तो ऑर्गेनिक की शुरुआत करने में कोई बुराई तो नहीं है वैसे? कोई बुराई नहीं है जी, कम से कम एरिया में शुरू करें पहले। हाँ, पहले हो सकता है जो नए भाई हैं वो ना दालों से शुरू करें काम जी, दाल और कनक से जी, इसके बाद वो सब्जियों में आए, उसके बाद वो सब्जियों में धीरे धीरे आ सकते हैं। जैसे मतलब हमारे यहाँ गन्ना ज्यादा है, तो हमारे यहाँ किसान गन्ना बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। आपके यहाँ धान है, गेहूं में तो धान लग रही है तो धान ही धान लग रही है, गन्ना मतलब गेहूं लग रही है तो गेहूं ही गेहूं है जी। तो इसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं हम अपने खाने के लिए, तो कम से कम शुरुआत करें ताकि हम जहर ना खाएं, क्योंकि वो तो जहर ही है।
गन्ने का भी एक मॉडल होता है, आप 8-8 फुट की दूरी पर लाइनें लगाएं गन्ने के और बीच में सब्जी भी ले सकते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी ऐसा किसान, बहुत से किसान भी कर रहे हैं। तो इसके बाद आपने ये छोले, अच्छा ये ग्रीन चना है, अच्छा ग्रीन वाला चना, ये पकने के बाद भी ग्रीन ही रहता है। अच्छा ये पकने के बाद भी ग्रीन रहता है, बहुत से आपने देखे होंगे किसान भाइयों मार्केट के अंदर। और आपने इसमें बेड ये बनाई है और दो लाइन इसके ऊपर लगाई है किसान भाई, इसका ये फायदा मिलता है हमें कि इसमें पानी देने में हमें आसानी होती है और हल्का पानी लगेगा इसको, उससे क्या होगा हल्का पानी लगने से जो हमारी जमीन है वो एक यहाँ से पट नहीं बैठेगी, जिसे कहते हैं दबाव बैठ जाती है, ये भुरभुरी ही मिट्टी रहेगी हमारी थोड़ी सी। ये टेक्निक हम जो सभी फसलों में ले रहे हैं किसान भाई, ट्रेंच में भी इसको अपनाते हैं। और आलू जो बेड की बिजाई पर आलू चल रहा है आज के समय में, वो आलू भी बीज रहे हैं। और गेहूँ भी हमारे किसान भाई इसी तरीके से गेहूँ की बिजाई भी कुछ किसान भाई मैंने देखे हैं वो कर रहे हैं, और छोले की बिजाई भी कर रहे हैं, देख सकते हैं छोले की भैया ने कर रखी है ऑर्गेनिक के अंदर। अच्छा ये कनक है, तो कनक जो आपने बिल्कुल लाइन से लगा रखी है, तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत से किसान जो है जी बखेर कर ही बोते हैं साथ ही, तो लाइन से इसमें क्या अंतर होता है जी हमारे किसान भाइयों को ये बताइए। दिक्कत नहीं आती पानी की गुड़ाई की, अच्छा गुड़ाई की दिक्कत नहीं आएगी एक तो, क्योंकि इसमें गुल्ली डंडा वगैरह जहाँ और जो भी नदीन वगैरह होते हैं वो हो जाते हैं इसके, इसमें अब गुड़ाई जल्दी हो जाएगी जी और लाइन टू लाइन हो जाएगी। अच्छा लाइन टू लाइन हो जाएगी, बिना डीएपी के, बिना किसी खाद केमिकल खाद के, ये सब ऑर्गेनिक है, ये जो खाल के इधर वाला है ये केमिकल वाली है, इधर जो इधर ही है केमिकल वाली है। हाँ हाँ ये हमारा खेत है, ये बिना केमिकल वाली है सर, बिना पराली आग लगाए हुए मिक्स करके हमने बीजिए, बिल्कुल मिक्स करके बीजिए, इतने गेहूँ आएंगे इतने पराली बिल्कुल ज़मीन से ख़त्म हो जाएगी, उसकी खाद काफ़ी अच्छी लगेगी वो गेहूँ को ही लगेगी हमारे। क्योंकि किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर जो हम आए हैं मैंने देखा है कि एक एकड़ यानी 5 से 6 बीघे में ये 2 कट्टे डाई के डालते हैं, और हमारे यहाँ किसान 1 कट्टा डाई का डालते हैं, चाहे वो गन्ना हो चाहे वो गेहूं हो चाहे वो कुछ कोई सी फसल हो, 1 कट्टे से ऊपर कोई किसान नहीं डालता। यहाँ पर 2 कट्टे में उतने गेहूं पैदावार देते हैं जितने हमारे यहाँ 1 में दे रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ जो है ज़्यादा प्रयोग करा गया केमिकलों का, इस वजह से जो है ज़मीन थोड़ी अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जा रही है और हमें ये पेस्टिसाइड ज़्यादा घेरने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर से हमें ऑर्गेनिक पे आना पड़ रहा है, दोबारा से वही कल्चर अपनाना पड़ेगा जो हम पहले से करते आए हैं, हमारे दादा परदादा ने करा था ऑर्गेनिक में और उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी करी थी। आज के समय में जो हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, जितना केमिकल लगा देते हैं कि जितनी हम फसल बेकाए सारा केमिकल हमने ज़मीन में दोबारा से लगा दिया, कुछ नहीं बच रहा आज के समय में किसान को किसी भी फसल में कह सकते हैं। क्योंकि जब किसान की भैया फसल आती है तो सबके रेट डाउन हो जाते हैं और वो जितने में हमने इसमें खर्चा करा केमिकल पे वो सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है, तो यानी कि दोबारा से ऑर्गेनिक करना पड़ेगा ताकि कम लागत लगे। बिल्कुल बहुत ऐसा भी हो रहा है ना जी, जो केमिकल डाल रहे हैं किसान भाई वो एक दूसरे की मतलब कॉपी करके, हमने ये दूसरे किसान ने इतना डाला है हम उससे ज़्यादा डालेंगे। हाँ ये बात बहुत ये चल रही है सभी जगह चल रही है। तो एक बार आप उसे हमारे सरसों को और दिखाइए जी, सरसों को कौन सी है खाने वाली जो हम साग के अंदर प्रयोग कर सकते हैं जी। हाँ वो हमारे जो भैया हैं उन्होंने बताया कि वो मार्च अप्रैल तक चलेगी, बिल्कुल मार्च अप्रैल तक हम साग भी खा सकते हैं बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो अब सरसों जैसे जो बोई थी फूल आ गया था वो ख़त्म हो गई, वो थोड़ी कड़वी भी लगती है और किसान जो खाते हैं उनके थोड़ा बहुत दिक्कत भी करती है पेट में, लेकिन ये खाने वाली सरसों स्पेशल आती है तो इसे देखते हैं आज जी। सबसे पहले आएगी, सबसे बाद में जाएगी, सबसे पहले आएगी सबसे बाद में जाएगी, अपने आप हो जाती है। बिल्कुल, तो चल रहे हैं उसी के पास ही और देख रहे हैं। ये आपने अमरूद लगा रखा है जिधर, वो अमरूद कह रहा किन्नू, किन्नू की लाइन है बहुत अच्छा, 20-20 फुट पर लगाए हैं। और उसमें आलू लगा दिया, अच्छा उसी में हर एक में 20-20 फुट की दूरी पर आप फिर आलू लगा दिया, ताकि जमीन की मतलब जो जितनी दूरी उसे चाहिए उतनी दूरी उस पेड़ को दी गई है और खाली जगह में हमने प्रयोग करा है और फसल लेने का जो उसमें हो सकती है। ये देखिए ये वाली होती है जो अपने जी, बिल्कुल देख सकते हैं किसान भाइयों, ये सरसों आपने बहुत ही कमी के साथ देखी होगी। और ये भैया ये जितनी तोड़ते हैं हम, जितनी इसकी तोड़ाई करेंगे उतनी ये फैलती चली जाएगी, उतनी ये बढ़ती है, देख सकते हैं। ये देखो जी, इसका आराम से साग हमारे किसान भाई बना सकते हैं और खा सकते हैं नॉर्मल जो। हाँ इसका साग बहुत अच्छा बनता है, मैंने भी काफ़ी बार सुना है, लेकिन अब की बार हमें ये देखने के लिए मिली और भैया के पास इनका बीज भी मिला, इनके पापा ने बताया कि मेरे पास बीज है
तो उनसे थोड़ा बहुत बीज भी लेंगे और उसे जाके हम बोकर भी देखेंगे कि किस तरीके से होती है, क्या इसका रेस्पॉन्स आता है। और बाकी आपको हमारे भैया का काम कैसा लगा, इन्होंने इतनी अच्छी पहल करी, तो हम भी यही चाहेंगे कि सभी किसान भाई थोड़ा थोड़ा पहल करें, ऑर्गेनिक की तरफ अपने लिए बोएं, अपने लिए करें शुरुआत और उससे एक्सपीरियंस लें, फिर ज़्यादा भी लेवल पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा आज के समय में स्कोप भी है इसके अंदर किसान भाइयों। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इन्होंने जो है फ्रास्ट बीम भी लगा रखी है इसके अंदर। और यहाँ देखते हैं इधर की तरफ आते हैं हम, पालक वगैरह भी लगे हुए हैं सब कुछ। और ये देखो भैया प्याज भी लगी हुई है इनके पास और इस तरीके से मॉडल से प्याज लगाई है। तो भैया जैसे आपने प्याज लगा रखी है लाइन से पूरी प्याज लगी हुई है, काफ़ी अच्छी हो रही है ऑर्गेनिक के अंदर। तो इसका जो है आपने ऊपर ही बिल्कुल रखा हुआ है ये, ऊपर से फिर इसके अंदर पराली डाली हुई है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा जो है इसमें डालने से? हम जो लगाते हैं बहुत से किसान ऐसे ही लगा देते हैं, नहीं जैसे बहुत से किसान बीज लगाते हैं, बीज भी ठीक है लेकिन उसका मतलब खर्चा ज्यादा आ जाता है, जैसे लेबर का क्योंकि उसकी कटाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपने जो प्याज मतलब छोटी प्याज हमारे घर में बच जाती है, वो छोटी सी बिल्कुल होती है गट्ठी, वो आपने डायरेक्ट लगा दी है? डायरेक्ट लगा के ऊपर से पराली बिछा दी और पानी लगा दिया। तो आप देख रहे कितने दिन की प्याज है ये, लगभग लगी हुई कितने दिन पुरानी है? मतलब डेढ़ से दो महीने के लगभग हो चुकी है। और इसकी आप मोटाई देख सकते हैं कि कितनी मोटी प्याज है, लगभग ये कितनी मोटी प्याज हो जाएगी जी, जो है पूरी जब आपकी खुदाई आएगी इसकी। अब ऐसे होता है हम कच्चा प्याज शुरू कर देते हैं जी, बच जाता है जो पक जाता है, ज्यादा बड़ा साइज वो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा इसका, काफी बड़ी हो जाती है। लाल वाली ये प्याज है, कहाँ की बोलते हैं जी इसको, नासिक वाली या दूसरी है कोई सी? नासिक वाली जो देसी वैरायटी होती है, जो घर की होती है पहले से। अच्छा अच्छा वही आपने लगा दी है। और देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी प्याज हो रही है, बड़ा ही सुंदर। और जगह जगह पर आलू भी लगा रखे हैं इन्होंने, किन्नू लगा रखे हैं। आपको कैसी लग रही है इनकी फसल है जरूर बताना है। और ये नई फसल की या कौन सी की बिजाई करी आपने ये? इसमें लगाई है ये, इसमें गाजर का एक बेड लगाया जो सम ऑरेंज कलर की होती है, सैलड में यूज होती है। अच्छा जो सैलड वाले यूज होती है, हमारे यहाँ बिलायती गाजर बोलते हैं उसको। और इधर की तरफ जो सभी में अभी लगाएंगे मेथी पालक धनिया। अच्छा मेथी पालक धनिया जो थोड़ी लेट चलेंगी, उसी चलेंगे वो लगाएंगे, उसके हिसाब से जो गर्मियों के समय में थोड़ा चलने शुरू हो जाएंगी इस वक्त, समय के हिसाब से जो चीज़ खत्म हो रही है। क्या क्या बेड तैयार करते हैं, छोटी मशीन नहीं रख रखी है, उनसे अपना बेड तैयार कर लेते हैं, तो उससे बड़ा सुख है। देख सकते हैं सामने छोटी मशीन इनके पास रखी हुई है, वो बहुत सारी चला के देख रहे हैं। तो आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं किसान भाइयों, कमेंट करें।